सो गाइस, वेलकम बैक टू द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस न्यू सीरीज, जहाँ पे हम लोग दिखाने वाले हैं नुब्रा बिल्ड्स। जैसे कि मैं तो आप लोग को पटक से दिखा देता हूँ, और ये वीडियो मेरे दोनों चैनल पे आने वाले। एक नया चैनल बना है, उसको भी जाकर देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और मैं सोच रहा हूँ कि इसको लाइव स्ट्रीमिंग का बना दो और उसको मेन चैनल बना। तो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। आज मैं तुम लोग को दिखाने वाला हूँ एक मिडिवियल थीम का हाउस कैसे बनाते हैं। जैसा कि तुम लोग ये देख सकते हो, पहले ये बनेगा अपना, बीच में होने चाहिए 5 ब्लॉक, और साइड के आउटलाइन का एक एक लगा दो। तुम लोग इस जगह का स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो। फुली यहाँ से इस ब्लॉक से यहाँ तक पूरे के पूरे 8 ब्लॉक है, और ये 5 ब्लॉक का है। 1 2 3 4 5। और ये क्यों लगा और उसके बाद तुम लोग को ऐसे ये लगाने, ये नुब्रा बिल से इसलिए नुब की तरह करना पड़ता है। ऐसे चारों तरफ लगा लेना। फिर जैसा कि अभी तुम लोग देख सकते हो, ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। फिर दूर तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहीं पे भी। मेरी माना तो मैं साइड में लगाता हूँ, राइट साइड में, और एक दूर लगाता हूँ इधर पीछे की तरफ। आने जाने में थोड़ी आसानी होती, और ये रात को भी अभी होना था। फिर अभी तुम लोग जैसा कि देख रहे हो, ये 5 ब्लॉक ऊपर है, तो 5 ब्लॉक लेके जाना है अपने को। और अपन नूब है, सबको पता है। और तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में मेगा सिटी का वो भी मिल जाएगा, डिस्कॉर्ड का लिंक। तुम लोग जाओ, जाके वहाँ पे एक यू हमारे वो ओनर मिलेंगे। मेगा सिटी का ओनर ये क्या, मेरे को नहीं पता, किसी ने बोला था ओनर है, इसलिए उसको ओनर ही बोल रहा हूँ। तो उसका नाम है गुरु, गुरु YT, मेगा गुरु लिखा होगा उसके नाम के सामने। उसको जाके बोलो कि मेरे को सिलेक्ट करे। अगर तुम लोगों ने मेरे को सिलेक्ट करवा दिया, जिस मैं उसको पूछूंगा, जिसने सबसे ज़्यादा बार बोला कि उसको सिलेक्ट करो, मैं उसको अगली वीडियो में शॉर्टकट दूँ। बताओगे? मेरा भी काम हो जाएगा, तुम लोग का भी काम हो जाएगा। अभी जैसे कि देख सकते हो, तुमको ऐसा बनाना है कुछ, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, फुल ऐसे ठीक से कर दो। उसके बाद इसके बीच में तुम लोग ओक लगाओ, या फिर ओक के ये भी लगा सकते हो, स्ट्रिप वाला। अगर तुम लोग अमीर हो, जो कि मैं नहीं हूँ, तो तुम ये स्ट्रिप वाला लगा सकते हो। और चाहो तो तुम इसे थोड़ा लंबा भी कर सकते हो, लेकिन सिर्फ 1 ब्लॉक, सिर्फ इतना लंबा, इसके ऊपर का नहीं। इसके ऊपर का होगा तो ये कुछ टावर बन जाएगा। उसके बाद तुमको ये हर तरफ ऐसे फिल कर देना है, फिल कर लो। ये देख लो, इसको ऐसा लगाना है। मैं क्या बता रहा हूँ, तुम लोग तो प्रो हो गए। ये जैसे ये सब हो जाएगा। इंटीरियर का भी इस एपिसोड में नहीं दिखाना, मैं नेक्स्ट एपिसोड में दिखा दूंगा। तो तुम लोग का बेस कुछ इस तरीके का बन जाएगा। पहले तुम लोग ये क्या है, ये आर्ट कल इसको इसको TNT से उड़ाओगे, जो मैं करूँगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं करूँगा मैं। ये नहीं कर लूँगा स्टेयर्स, और ये क्या बोलते, दो दो टाइप के स्टेयर्स। उसके बाद देखो, आउटलाइन तुम लोग को इससे करनी है स्प्रूस की, और इंटीरियर में तुम लोग ये लगा सकते हो उसके अंदर, ठीक है, ओक स्टेयर्स। क्या होता है, तुम लोग बर्ड्स भी लगा सकते हो, मेरी कोई राय नहीं है। और अगर तुम लोग पहले कुछ इस तरीके का बना दोगे ना, तो तुम लोग को आसानी होगी देखने में। देख लो ऐसे, लेकिन हमको ऐसा नहीं बनाने का है। हमको ये इधर ये लगेगा, उसके बाद एक ब्लॉक आएगा, उसके ऊपर ऐसा आएगा, फिर ये आएगा। देखो थोड़ा ये लंबा हो गया, सॉरी थोड़ा स्क्रीन नीचे हो गया था। ये थोड़ा ऐसा लंबा हो जाएगा। ये तुम लोग को इस तरफ भी करने का है। ये लगाओ, ये लगाओ, ये ब्लॉक लगा के इसको यहाँ पे लगाओ। और तुम लोग क्या करते हो, इसमें गलती कर देते हो तुम लोग, इसको क्या तो ऐसा लगा, तो फिर सोचते हो भाई 1 ब्लॉक इधर लाना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता है, इसको या तो ऐसे लगाओ, लगा के ऐसे लगा दो। देख लो मस्त डिजाइन बन गया। और तुम लोग चाहते हो कि इसको थोड़ा लंबा करना है, तो यहाँ पे एक स्लैब लगा दो, योग का स्लैब, इसको ऐसे लगा दो। और अगर तुम्हारे आसपास लाइटिंग की दिक्कत है, तो यहाँ से चेन लो, नए अपडेट में चेन आया, किधर गया मेरे को नहीं पता। लालटेन लो, ये वाली, इसको यहाँ पे लगाओ,
जलगांव, इसको ऐसा लगा दो, तुम लोग की लाइटिंग की दिक्कत भी खत्म। और अगर ऐसा ब्लॉक लग रहा है तो एक को तोड़ दो, सिर्फ नीचे की तरफ लगा दो, देखो क्या मस्त लग रहा है। अभी इसको कुछ नहीं करने का, तुम लोग इसको नहीं छूने का, या बाहर से छूने का। एक स्प्रूस वुड किधर गया मेरा स्प्रूस वुड, इसको कट कर दूंगा, कटे इसको ऐसा लगा, फिर ऐसे ऐसे गलती हो गई, इसको ऐसा लगा। तो गलती सबसे होती है, गलती नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे? इसे सीखने के लिए गलती करना जरूरी। स्लैब्स टूटना मत नीचे का, नहीं टूटा भाई, क्या ही स्कैम हो रहा है। तो तुम लोगों ने कुछ ऐसा बनाया होगा अब तक, फिर इसको ऐसे ऐसे लगा दो, अपसाइड डाउन लगाने का है। ऐसे मैंने जो नुबरे वाली हरकत की, ऐसा नहीं करने का, ऐसा करने का है, ऐसा भी नहीं ऐसा। अभी तुम लोग का ये ऐसा बना, एक सेकंड मैं हेडफोन ठीक कर लेता हूँ, फिर तुमको लेना है ये। बोलोगे ऊपर ये क्यों? क्योंकि तब तक तुम्हारे सारे वोट खत्म हो जाएंगे, मेरे को मालूम है। एक बार मैं कोई दोस्त तक लेके नहीं घूमता, ऐसा कर सकते हो। अगर तुम लोग के बस ऐसे कर रोज का ढेर में कर दे तो लगा दो, मेरे को दिक्कत नहीं है, मैं नहीं लगाने वाला। तुम लोग को लगा क्योंकि ऐसा गरब दिखेगा ना, ऐसे नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिखने वाला, तुम लगा सकते हो। और विंडोज़ तुम अपनी मर्जी से लगा सकते हो, पर मैं तुम लोग को रिकमेंड करूँगा कि एक विंडो तुम यहाँ पे लगाओ, इस टाइप से। यहाँ पे एक स्लैप लगाओ या ट्रैप डोर लगाओ, तुम्हारी मर्जी। यहाँ पे एक विंडो लगा दो, देखो मस्त दिखेगा। अभी मैं तुम लोग को पीछे का तुम लोग खुद कर सकते हो, मेरे को पता है। मैं तुम लोग को ये आजू बाजू का करके मिलता हूँ, लेट्स गो। इंडियन तुम लोग का घर कुछ इस तरीके का दिखा, तो तुम लोग यहाँ पे नीचे की तरफ देख लो, ये शुरू में ना लगा के तुम लोग ये भी कर सकते हो। टॉर्च लो, बस कारपेट लेने का है तुम लोग को, कारपेट कोई भी सा, ये डार्क है ना तो इसलिए डार्क ले लो। फिर इसको यहाँ पे लगाओ, इसके ऊपर ऐसे लगा दो, देख लो किसी को पता भी नहीं चलेगा। और लाइटिंग पूरी अच्छी मिल गई, और मैंने यहाँ पे शुरू में लगा क्योंकि अच्छा दिखता है। तो सोच रहे हो ऊपर जाने का, तो ऊपर ये जो तुमने लगा कर रखा उसके ऊपर तो माउस पहनूंगा। तो देखो यहाँ पे ये तोड़ने का, यहाँ से ऐसा लेडर लेकर जाने का, तो ऐसे ऊपर जा सकते हो तुम लोग। यहाँ पे एक और लगा दो, आने जाने में आसानी होती है, ऐसा जा सकते हो तुम लोग सीधा। और इस जगह का क्या करें, इस जगह में ये दो तो, और यहाँ लगा ग्लास, ऐसे तुमको व्यू मिल जाएगा। और तुम्हें चाहिए होगा, और तुमको मैं इंटीरियर दिखाने वाला बोला था, इसलिए बेड लेने का। नहीं ये कौन सा कलर का नहीं पता, लेकिन ये बेड अच्छा लगता है मुझे, ये लो। फिर थोड़े बुक शेल्फ ले लो, अमीरी दिखानी है अपने को, ऐसे लगाओ। इस वाले को ना लगाओगे तो भी चलेगा, ऐसे लगाओ। यहाँ पे एक टॉर्च लगाना, क्योंकि इतने भी अमीर नहीं है अपन लोग। यहाँ पे भी लगा दो, डर बुक्स हो गए। इधर तुम लोग का लगना है बैरल, मुझे पता तुम लोग चेस्ट लगाने वाले हो, लेकिन देखो चेस्ट लगाओगे ना तो वो बैरल का टेक्सचर नहीं मिलेगा। ऐसे जो बैरल लगाओगे उसका टेक्सचर नहीं मिलेगा। तो इसको तुम फूड का बना सकते हो, इसको आर्मर और वेपन्स का, और इसको नॉर्मल ब्लॉक्स का। तो ये होगा अपना बेड, सुनाने का नहीं था। तो यहाँ पे तुम लोग क्या करोगे, यहाँ पे तुम लोग आसानी से एक वो लगा सकते हो, क्या ये लो ऐसे ऐसे, और ये यहाँ पे सीट लगा, ये जगह हो गई तुम्हारी बैठने की। और तुम लोग चाहो तो यहाँ पे ये भी लगा सकते हो, एक ये लो आइटम फ्रेम। फिर तुम लोग को चाहिए होगा एक पॉट, पॉट किधर है? ये पॉट नहीं मिलता आसानी से, पॉट सर्च कर देता हूँ। POT पॉट, पोटैटो मिल जाएगा। ये पॉट लो, इसको यहाँ पे रखो,
नहीं, सूरज के सामने रखो, रोशनी मिलनी चाहिए उसको, और उसके बाद तुम लोग अमीरी दिखाने के लिए, खाने से इस खाने में कुछ नहीं मिलेगा तुम लोग अमीरों का सामान, चंटन गोल्डन एप्पल भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यह थोड़ा अच्छे से लग गए ऐसा लग गया। और उसके बाद तुमको यहाँ पे फर लगाना, मुझे बता, तुम लोग फूल लगाओ, फर लगाओ, देखो फर अच्छा दिखता है, कि तुम लोग का ऐसा दिख जाएगा इंटीरियर। और नीचे का क्या करें, नीचे देखते हो तो तुम इसके नीचे से माइन लेके जा सकते हो चाहो तो। अभी मैं तुम लोग को शॉटिंग सिस्टम का बता देता हूँ, तुम लोग को कैसे कैसे चेस्ट लगने, तो चेस्ट लो और एक एंडर चेस्ट लो। तुम लोग को चेस्ट पता है, मेरे को तुम लोग थोड़ी देर बाद वो मेन बेस बनाओगे बड़ा वाला, तो इसलिए ऐसे चेस्ट लगाओ, एक दो इधर, एक दो इधर, ऐसा लगा लो, एक अंडर चेस्ट लगाओ इधर, और फिर तुम लोग अपने ये सब निकाल लो, इधर ऐसे दो करने, दो ये और दो ये। मुझे पता है ये लोग नहीं खुलने वाले, इसलिए यहाँ पे मत लगाओ, दो फर्नेंस उधर, एक ये और एक ये, नहीं लास्ट फर्नेंस। अगर तुम लोग को पता है ऐसा कुछ नहीं करने वाले, इधर लगाओगे, ऐसे लगा दो, ऐसे लगा दो, और ऐसे लगाओ, चेस्ट का हो गया, चेस्ट का हो गया। और अभी क्या लगा सकते हो तुम, एनविल, ब्रूइंग स्टैंड। और मैं तुम लोग को एक मस्त ट्रिक बताता हूँ, यहाँ से ये लो मैचिंग स्लैब, और फिर पानी की बकेट लो, बोतल बोतल को छोड़ो, देखो तुम लोग को यहाँ पे ऐसा ये लगाना है, और यहाँ पे ये स्लैब लगाओ, और इसे यहाँ पे लग सकते हो, उसके ऊपर एनविल लगा सकते हो तुम लोग, और फिर पानी मारो इसमें, लगा कि नहीं, देखो इसमें पानी लग चुका है। अभी अपने को चाहिए बोतल, बोतल किधर, ये देखो बोतल, और उसके बाद स्लैब, यहाँ से तुम पानी निकाल सकते हो, ऐसे नहीं लगा, ऐसे निकल, क्या हुआ भाई, क्लिक ही नहीं हो रहा है मेरा, देखो ऐसे पानी निकालो, वो जावा में होता है, सॉरी, यहाँ पे तुम लोग से पानी लगा सकते हो। तुम लोग सोचो क्राफ्टिंग टेबल किधर है, तो लगा लो ना कहीं पे भी, इतना सारा जगह है, मैं तुम लोग को रिकमेंड करूँगा क्राफ्टिंग टेबल ऐसे लगाओ, ये तुम लोग टेबल लो और इसको ऐसे जमीन के अंदर गाड़ दो, ऐसे ऐसे लेके आओ, सब कहीं पे भी क्राफ्ट कर पाओगे तुम लोग बीच में। अच्छा टेक्सचर दिख रही है, देखो मस्त दिख रहा है, मस्त दिख रहा है मेरा मतलब, ऐसे ऐसे ऊपर आ सकते हो आके, ये क्राफ्टिंग टेबल चाहो तो तुम लोग इसके नीचे लगा सकते हो, इस ब्लॉक को तोड़ना है और इसमें लगा देगा, देखो नीचे से ये वुड जैसा लगता है, चाहो तो ये पे स्लैब लगा दो, देखो स्लैब लगा सकते हो, और हो गया मैक्सिमम तुम लोग का बेस। और अभी तुम लोग को ग्लासेस चाहिए तो ये लो, ये दो यहाँ पे लगा दो, अंदर बाहर का देखने के लिए इस तरफ भी लगा सकते हो, ये क्या इनपुट आउटपुट दिख रहा है मेरे को, सो तुम लोग का बेस कुछ इस तरीके का दिखेगा, अभी दूर से भी अच्छा लगता है, ये देखो क्या मस्त दिख रहा है, और ये क्या लगा दिया मैंने, वैसे अच्छा लग रहा है, फ्रेंड देते हैं। तुम लोग का बेस कुछ तो एट दी एंड तुम लोग का बेस कुछ इस तरीके का दिखेगा, तुम लोग सोच रहे कि यहाँ पे क्या करें, इस जगह पे क्या करूँ मैं, कुछ नहीं करने का, ये स्लैब पकड़ो, स्लैब लगाओ, इधर नहीं बीच में लगाओ, गिर गया, वो 4 महीने से नहीं खेला माइनक्राफ्ट, फ्री फायर खेल के काम चल रहा था, इतना दुख जिंदगी में, इसको मैं हटा देता हूँ अभी के लिए। और मुझे बता तुम लोग बहुत ज़्यादा प्रो हो गए जो ऐसे लगाने की कोशिश करो, ऐसा कुछ मत करना, बिल्कुल घटिया दिखता है, मैं बता रहा हूँ एक्सपीरियंस से। और सोचो कि यहाँ पे अगर मॉब स्पॉन हुआ, ये हाफ स्लैब है, इसमें मॉब स्पॉन नहीं होता,
तुम लोग अंदर जाओगे, इंटीरियर का इसी वीडियो में दिखा देता हूँ, तो तुम्हें ये फ्लोरिंग स्प्रूस की नहीं लगानी, या तो बर्च के लगाओ या डार्क ओक के लगाओ, स्लैब लगाओगे तो अच्छा होगा, कैसे कहीं भी लगा सकते हो तुम लोग चाहो तो। और इस वीडियो में इतने दूर तक आ चुके हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर ही दो, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दो, नहीं है तो मत करो। तो मैं तुम लोग को ये फ्लोरिंग का और ये छत में यहाँ पे लेयर बना कर मिलता हूँ। सो दैट इज इट फॉर टू दिस वीडियो गाइस। तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल पे नहीं हो तो, और वो सूरज निकल के मस्त दिख रहा है। तो तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट।